Red FM, Hidden Files, an audiobook on cybercrime. अमित दुबे के साथ रेड एफएम पर मैं हूं आरजे रौनक और मेरे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी। आप सुनना शुरू कर चुके हैं इंडिया का पहला साइबर क्राइम रेडियो शो जिसका नाम है हिडन फाइल्स। और शो शुरू करने से पहले कुछ आंकड़े मैं आपके सामने, कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2011 से 2014 तक ये वो 3 साल थे जिसमें इंडिया में साइबर क्राइम केसेस 300% तक के बढ़ गए थे। और 2015 तक इंडिया में 11,592 केसेस रजिस्टर हुए। मतलब आज चल रहा है 2019, खुद कैलकुलेट करिए इस बीच कितने साइबर क्राइम केसेस बढ़ गए होंगे। बिल्कुल रौनक, और जरा आप ये सोचिए कि ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि हम हिडन फाइल्स की कहानियों में सुन चुके हैं कि जब लॉस छोटा होता है, जैसे कि 10-15 हजार का या 20 हजार का, तो लोग केस रजिस्टर भी नहीं करते। बिल्कुल रजिस्टर भी नहीं करते। तो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जो, उनको एक सॉलिड रीजन तो मिल ही गया होगा शो सुनने का। मतलब एंटरटेनमेंट तो है ही, साइबर टिप्स भी हैं, एक्सपर्ट एडवाइस भी हैं, और हाँ, इन सब के ऊपर है आज की वो रियल लाइफ साइबर स्टोरीज जिनको सॉल्व करने वाले अमित दुबे जी खुद मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो अमित जी, आज की कहानी क्या है और किस चीज के बारे में? रौनक, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जुर्म था एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड। एक सेकंड, क्या कहा आपने? एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, दैट्स इट। मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करना जुर्म है? बिल्कुल, नॉर्मल मैसेज फॉरवर्ड करना जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मैसेज फॉरवर्ड किया है जो डेरोगेटरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और आपने ये मैसेज ऐसे ग्रुप में फॉरवर्ड किया है जिसमें आप एडमिन भी हैं, तो फिर इस केस में एडमिन को, यानी कि आपको, जेल भी जाना पड़ सकता है। बाप रे, मेरे कई दोस्तों इस बात से खुश हैं कि वो एटलीस्ट एडमिन की जॉब कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि अबे तुम लोग व्हाट्सएप पे एडमिन की जॉब कर रहे हैं। खैर अमित जी, आप स्टोरी सुनाना शुरू करो, तब तक कि मैं अभी वो सारे ग्रुप्स में जिनमें मैं एडमिन हूँ फटाफट मैं एग्जिट करता हूँ। यार डरा दिया आपने बेकार में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है मिस्टीरियस वर्ल्ड। ये कोई संडे का दिन था और सुबह के 6 बजने वाले होंगे जब मेरी वाइफ कुमुद ने मेरी रजाई खींचते हुए मुझे उठाया। अरे जाओ, तुम्हें दौड़ने जाना है। कुमुद की आवाज ने सारी नींद उड़ा दी थी। हमारा एक रनिंग ग्रुप है और उसके मेंबर्स मेरे दोस्त एटी, रॉबिन, कृष्ण जी, छाया, आरकेएम, सीमा, मनीषा, प्रीति, ये सारे लोग हैं और ये सारे के सारे क्रेजी रनर्स हैं। इन सब में मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ और आज हमारा प्लान करीब 8-10 किलोमीटर दौड़ने का था। मैंने ऐसे ही मुंह धोया, जूते पहने और कुछ सोच के मैंने अपना मोबाइल भी अपने साथ ले लिया। एटी ने दौड़ते हुए कहा, अरे वो वीडियो देखा है कल? कृष्ण जी ने रिस्पॉन्स दिया, इट्स शॉकिंग, हाउ कैन समबडी डू दैट। इससे पहले कि कोई और राय आए, मैंने उन्हें बताया कि वो वीडियो फेक और मॉर्फ्ड है। प्रीति ने जानना चाहा कि मुझे कैसे पता चला कि वो वीडियो फेक है। मैंने उससे कहा, अरे सीमा से पूछ लो, वो कन्फर्म कर देगी, वो तो जर्नलिस्ट है ना, और वीडियो की ऑथेंटिसिटी तो थोड़े बहुत गूगल से कोई भी चेक कर सकता है। सुबह के करीब 7:45 बज रहे होंगे, मैं रोड पर पसीने से लथपथ घर की ओर वापसी कर रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। खुशबू जैन। मैंने नंबर देखा, इतनी सुबह सुबह फोन, ये नॉर्मल नहीं था। खुशबू जैन एक रेनाउंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर है। मैंने फोन उठाया और आवाज आई, सॉरी टू बॉदर यू अर्ली मॉर्निंग, बट तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे लगा कुछ सीरियस ही रहा होगा तो मैंने पूछा, क्या हुआ? खुशबू ने बताया कि एक सेक्शन 67 का केस है। यहां मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 67 के केस का मतलब कि किसी ने कोई अनलॉफुल या ऑब्सीन मटेरियल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑफेंसिव कंटेंट भेजा गया जिसके खिलाफ एक ग्रुप मेंबर ने कंप्लेन की है। पुलिस हैज अरेस्टेड द व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और उसको अब बेल भी नहीं मिल रही है। मैंने कहा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे लगता है माई क्लाइंट इज नॉट गिल्टी, उसने कुछ नहीं किया, पर हमें क्लियर एविडेंस चाहिए जो ये सब साबित कर सके। मैंने पूछा, क्या कंटेंट भेजा गया है? खुशबू ने बताया कि कुछ हेट कंटेंट है अगेंस्ट ए कम्युनिटी। मैंने खुशबू से पूछा कि उनको क्यों ऐसा लगता है कि उनका क्लाइंट निर्दोष है। खुशबू ने बताया कि वो तरह तरह के लोगों से डील करती है और बहुत चालाक लोग भी देखे हैं। वो सेंस कर लेती है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। मुझे खुशबू के भरोसे पर भरोसा था। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया हैंडल्स भेजो और जिस ग्रुप में ये भेजे गए हैं उस ग्रुप के किसी और मेंबर का मोबाइल फोन नंबर भी चाहिए। थोड़ी देर बाद अनुभव प्रकाश नाम के आदमी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे पास थे। मैंने एक सोशल मीडिया एनालिटिक टूल के थ्रू सिर्फ उसका सेंटिमेंट एनालिसिस किया। इस तरह के टूल से एनालिसिस करने पर काफी हद तक हमें किसी के मेंटल स्टेट का एनालिसिस पता पड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई बहुत डिप्रेस्ड है या गुस्से में रहता है, या इफ ही राइट्स टू ऑफन टू हर्ट समवन, और इफ ही इज ए बैलेंस्ड गाय, उसकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी पता पड़ जाती है कुछ हद तक। सोशल मीडिया एनालिसिस के बाद
ये तो साफ था कि अनुभव के रिएक्शन किसी भी समय बहुत हार्श या एग्रेसिव नहीं रहे। वो काफी बैलेंस्ड ओपिनियन का इंसान लग रहा था। मैंने खुशबू को फोन लगाया और कहा, शायद तुम्हारा कहना ठीक है, उसका सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस तो यही कह रहा है, मैं उससे एक बार मिलना चाहूंगा। अगले दिन मैं और खुशबू अनुभव से मिलने के लिए जेल गए। मैंने अनुभव से पूछा कि क्या ये गलती से मैसेज गया है तुम्हारे अकाउंट से। अनुभव ने जवाब दिया, ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। मैंने कहा, मतलब जिस वक्त ये मैसेज भेजा गया तो तुम्हारा फोन किसी और के पास था? नहीं, मेरे ही पास था। मैं हैरान था। मैंने कहा, तो फिर ये मैसेज गया कैसे? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फोन हैक हुआ होगा? अनुभव ने कहा, उसका फोन कोई क्यों हैक करेगा, वो तो एक बहुत ही आम आदमी है। मैंने उससे कहा, तुम्हें किसी पर कोई शक हो जो तुमसे बदला लेना चाह रहा हो या तुम्हें परेशान करना चाह रहा हो? अनुभव ने इसका जवाब भी निगेटिव ही दिया। अनुभव से बात करके ये तो लग रहा था कि इसको खुद भी कुछ ज्यादा पता नहीं है। इसका मतलब या तो इसको ट्रैप किया गया है या इससे कुछ गलती से हुआ है। पर हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें ये चीज साबित करनी थी। मैंने खुशबू से पूछा, क्या अनुभव का फोन पुलिस के पास है? हाँ, उन्होंने जब्त किया है और वो ही इस पे एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने कहा, इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? खुशबू ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर वीर सिंह। मैंने कहा, हमें एक बार वीर सिंह जी से बात करनी होगी, उनकी फाइंडिंग से शायद कुछ क्लू मिले। जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, मैंने इंस्पेक्टर वीर सिंह जी से पूछा कि आपको क्या लगता है सर? मैसेज तो इनके फोन से ही भेजा गया है, हमारे पास क्लियर एविडेंस है, इसकी रिपोर्ट भी है हमारे पास। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या हमें वो फोन की एनालिसिस रिपोर्ट मिल सकती है या डेटा की कोई क्लोन कॉपी निकलवा दीजिए। डेटा तो आपको नहीं दे सकते सर, पर क्लोन डेटा पर हमारी टीम काम कर रही है, आप चाहें तो यहीं देख सकते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स के थ्रू ओरिजिनल फोन को एज इट इज प्रिजर्व कर उसकी क्लोन कॉपी तैयार की जाती है और सारा इन्वेस्टिगेशन क्लोन कॉपी पर ही होता है। ओरिजिनल डेटा को प्रिजर्व किया जाता है और उसकी एक हैश की वैल्यू क्रिएट की जाती है। हैश की किसी भी मेमोरी का यूनिक सिग्नेचर होती है, उससे ये इंश्योर हो जाता है कि ओरिजिनल डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और कोर्ट कभी भी ऑन डिमांड इस चीज को वेरीफाई करा सकता है। इन्वेस्टिगेशन सारा क्लोन्ड मेमोरी पर ही होता है और अगर उसकी मेमोरी पर कोई छेड़छाड़ हुई तो हैश की बदल जाती है। मैं उस डेटा को एनालाइज कर रहा था और एक एक करके सारे व्हाट्सएप ग्रुप का कम्युनिकेशन देख रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम फनी वर्ल्ड था उसके दूसरे मेंबर्स पर गया। इसमें से काफी नंबर्स विदेशी नंबर्स थे, मोस्टली यूके से, बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी नंबर्स। फॉर्चुनेटली उस एक हेट वीडियो मैसेज के अलावा अनुभव के मोबाइल पर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी गड़बड़ नहीं थी। मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप फनी वर्ल्ड के सारे नंबर्स नोट कर लिए, कुछ और डेटा लिया और खुशबू को कहा कि मुझे लगता है कि हमें अब अनुभव से एक बार और मिलना होगा। अगले दिन जब मैं अनुभव के सामने था तो मैंने पूछा, तुम्हारे इस फनी वर्ल्ड ग्रुप में इतने सारे यूके के, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नंबर्स क्यों हैं? क्या तुम इन सबको जानते हो? अनुभव ने कहा कि वो उन विदेशी लोगों को नहीं जानता। मैंने कहा, उस पूरे ग्रुप में सिर्फ तुम ग्रुप एडमिन हो तो नंबर्स तुम्ही ने ऐड किए होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं अकेला ग्रुप एडमिन कैसे हो सकता हूँ, मैंने कभी कोई नंबर ऐड नहीं किया। मैंने थोड़ा इरिटेट होते हुए उससे पूछा कि तुम इस ग्रुप में सबको जानते नहीं, तुमने कोई नंबर ऐड भी नहीं किया, तो तुम खुद इस ग्रुप में पहुंचे कैसे? सर ऐसा तो कई बार होता है, और जब मुझे इस ग्रुप में ऐड किया गया तब इसका नाम फनी वर्ल्ड नहीं था, तब इसका नाम मिस्टीरियस वर्ल्ड था। मैंने तो कई बार नोटिस किया कि मेरा नंबर अलग अलग तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, नॉर्मली मैं उसे तुरंत क्विट भी कर देता था, पर इस बार ग्रुप का नाम काफी इंटरेस्टिंग था, मिस्टीरियस वर्ल्ड। नाम काफी कैची सा था। मैंने जब ग्रुप के सारे विदेशी नंबर्स एनालिसिस करने शुरू किए तो बात खुलकर सामने आ गई कि अनुभव क्रॉस बॉर्डर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ग्रुप का शिकार हुआ था। खुशबू ने मेरी ओर देखकर पूछा, ये क्या होता है? मैंने बताया कि आजकल कई देश इस तरह की टेक्निक्स यूज करके नेबरिंग कंट्रीज के पब्लिक में इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज व्हाट्सएप नेटवर्क में भी होती है और बहुत प्लानिंग के साथ होती है। वो पहले एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसमें मोस्टली विदेशी नंबर्स ही रहते हैं, फिर लोगों के नंबर्स सोर्स करके उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। अगर आप उस ग्रुप में टिक गए तो आप उनका टारगेट हो जाते हैं। आपके थ्रू वो आपके और दोस्तों को ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करते हैं या आपके दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो ग्रुप इन्वाइट लिंक को मैसेज में एम्बेड करके अलग अलग ग्रुप्स में भेजते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप तो इंटरेस्टिंग इमेज या वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो मैसेज दूसरे दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं,
पर जो भी उस कंटेंट को एक्सेस करता है वो भी इस ग्रुप का मेंबर बन जाता है। हालांकि कई लोग ग्रुप छोड़ देते होंगे, पर कई लोग इतना ध्यान नहीं देते और इस ग्रुप के थ्रू वो लोगों के मोबाइल भी आसानी से हैक कर लेते हैं। इस तरह के ग्रुप में पहले तो नॉर्मल कंटेंट ही शेयर होता है, फिर टाइम टू टाइम ऐसे ग्रुप को कोई भी कंटेंट वायरल करने के लिए यूज किया जाता है। हमने कोर्ट में इन पॉइंट्स को सक्सेसफुली प्रूव किया और अनुभव को बचा लिया गया, पर कई बार ऐसे केसेस में स्थिति हाथ से निकल जाती है। अगर आपकी वजह से कोई दंगा हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं पाएंगे। Red FM, Hidden Files, an audiobook on cybercrime. अमित दुबे के साथ। So Red FM पर ये रियल लाइफ कहानी सुनी आपने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी से, जिन्होंने इस केस को खुद सॉल्व किया था, उस मासूम लड़के को पुलिस की गिरफ्त से भी निकाला था। लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि WhatsApp पर अगर गैर जिम्मेदारी से बिना वेरीफाई किए अगर आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल जाना पड़ सकता है आपको। इस बारे में हम किसी एक्सपर्ट से जरूर बात करेंगे। आप तब तक कुछ सुपर हिट गाने सुनिए। मैं आरजे रौनक और मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी बस थोड़ी देर में वापस आएंगे और बात करेंगे SM हॉक्सलेयर, यानी सोशल मीडिया हॉक्सलेयर का एक बहुत ही पॉपुलर ट्विटर अकाउंट है जो फेक न्यूज बर्स्ट करता है। उसके पंकज जैन जी हमारे साथ होने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेड FM, हिडन फाइल्स, बजाते रहो।